और मैं आज आपको थोड़ी सी जानकारी देना ये चाहूँगा कि डायबिटीज़ का एक वेरिएंट जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, यानी कि वो डायबिटीज़ जो कि प्रेगनेंसी के टाइम एक लेडी को जिसको पहले कभी भी डायबिटीज़ नहीं हुई होती है और जैसे ही गर्भ निर्धारण होता है, जैसे ही बच्चा पेट में आता है, उसकी वजह से अगर एक लेडी जिसको पहले डायबिटीज़ नहीं है और उसके बाद उसको प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में अगर उसको डायबिटीज़ होती है तो इसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। इस जेस्टेशनल डायबिटीज़ के अंदर ये देखा गया कि इसका मूल रूप से जो कारण है वो इंसुलिन जो हार्मोन होता है उसकी डिफिशेंसी ना होकर इंसुलिन हार्मोन की रेजिस्टेंस की वजह से होता है। और ये भी देखा गया कि इन लेडीज़ को जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है ये आगे जाकर फ्यूचर के अंदर ये पोटेंशियल कैंडिडेट हो जाते हैं, एक पोटेंशियल पेशेंट हो जाते हैं जिनको डायबिटीज़ होने की मात्रा, टाइप 2 डायबिटीज़ होने की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इनको हमें बहुत ध्यान से ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये माता के लिए और आने वाले शिशु दोनों की एक हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी माता जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो और उसको बहुत अच्छे से शुगर को कंट्रोल करना चाहिए और अच्छे से इलाज करना चाहिए और आगे भी शुगर डायबिटीज़ ना हो इस पर ध्यान देना चाहिए।